क्योंकि गाड़ी की सर्विस करानी है। 10,000 किलोमीटर काफी टाइम से हो गए थे उसके, तो मैं चलाया जा रहा हूँ तो ठीक नहीं है। फिलहाल अभी प्लान किया कि चलो चलते हैं हल्द्वानी, सर्विस करा के होपफुली आज ही वापस आ जाएंगे। अराउंड 3 घंटे का रास्ता, 3 घंटे आने का, 3 घंटे जाने का, 2 घंटे में सर्विस हो जाती है। तो पापा जी और मैं ही जा रहे हैं सिर्फ, इसलिए सुबह सुबह जल्दी रेडी हो गया मैं। बाकी सामने का भी देखो काफी प्यारा है, पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है पहाड़ पे। बिना कुछ खाए पिए सुबह सुबह निकल पड़े हम, तो रास्ते में कुछ खा लेंगे या फिर हल्द्वानी पहुंच के ही खा लेंगे। मेन तो सर्विस इंपॉर्टेंट है, सर्विस हो जाए गाड़ी की। सुबह सुबह घास पूरी गीली हो रखी है ओस से, गाड़ी भी बाहर से पूरी गीली हो रखी है, पूरी ओस ही ओस। तो अभी 8 बज चुके हैं, तो ब्लॉग आ गया होगा मेरा, आप मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, फिलहाल तो बस एक जूस ब्रेक लिया था। और यहाँ से देखो ये नदी है, काफी मस्त लग रही है। यहाँ पे ये हाईवे बना रखा है, गाड़ी हमने वहां पार्क की है, तो ये काफी सही लग रहा है। धूप भी आ चुकी है अब। सामान निकाल लेते हैं, मेन तो मेरा बैग है। तो अभी हल्द्वानी तो पहुंच गए हैं टोयोटा शोरूम में, और गाड़ी भी दे दी है, तो कह रहे 2 घंटे में मिल जाएगी, तो 2 घंटे हमको वेट करना है। यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, बाकी यहाँ पे भी हमको सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम जल्दी कर देंगे 2 घंटे में। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे, थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख देते हैं, 2 घंटे लगेंगे सर्विस होने में, तो इतने घर हो के आते हैं। तो फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं बहुत दिनों के बाद, तो सामान वगैरह सब कुछ रख दिया है, अब चलते हैं यहाँ से। होपफुली गाड़ी की सर्विस हो गई हो, फिर हम निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। बाकी बाइक राइड को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, मोटो ब्लॉगिंग को, तो वो तो आगे ही कर पाएंगे, बाइक सारी यहीं पे खड़ी है हमारी। बाय बाय, घर मिलते हैं जल्दी पूरी फैमिली के साथ। फिलहाल अभी हम इस गाड़ी में आए हैं।